श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में उल्लिखित है। भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा स्वरूप है। भगवान श्री विष्णु जी के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा हिंदू धर्म की सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा है। पूर्णिमा को इस कथा का परिवार में वाचन करना चाहिए एवं अन्य पर्व तथा किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व या किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करनी चाहिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5 अध्यायों में विभाजित है। तो आइए श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए परम पावन श्री सत्यनारायण व्रत कथा शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा प्रथम अध्याय। पूर्व काल में शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य धाम स्थित महर्षि सूत जी के आश्रम पर पहुंचे। ऋषिगणों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा कर हमें कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। ऋषिगणों के ऐसे वचन सुनकर सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे पूज्य ऋषिगणों, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में एक बार नारद जी ने कमलापति श्री नारायण जी से पूछा था। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्म के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा तो उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वे श्री हरि नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है उसे निसंकोच कहिए। तब नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा, कृपया उसे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है, अब आप उसे सुनिए। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री लक्ष्मीपति भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वह है सत्यनारायण व्रत। किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में
साठी के चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्य नारायण भगवान की कथा सुनकर आरती करके भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्री सत्य नारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय। श्री सत्य नारायण भगवान व्रत कथा दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्य नारायण व्रत को किया था उसे कहता हूँ। सुनिए, सुंदर काशी नामक नगर में शतानंद नाम का अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन भटकता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस निर्धन ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। दीन ब्राह्मण बोला, प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्य नारायण भगवान श्री विष्णु अभीष्ट फल देने वाले हैं। तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए वह निर्धन ब्राह्मण अपनी कुटिया में चला गया। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्य नारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्य नारायण का व्रत किया। उस दिन से लेके प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्य नारायण के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सभी पापों और निर्धनता से मुक्त हो गया और सुखी जीवन व्यतीत कर मृत्यु उपरांत उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, पृथ्वी पर जब कोई मनुष्य श्री सत्य नारायण भगवान का व्रत करेगा उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार कमलापति भगवान ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह सुनाया। आगे अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है, कृपा कर हमें बतलाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिस जिसने इस व्रत को किया है उसे आप लोग सुने। एक बार जब वह ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवार जनों के सहित सत्य नारायण व्रत कर रहा था, उसी बीच लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल उस लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और प्रणाम करके बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, यह सत्य नारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। इसी व्रत से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्य नारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत तथा प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा
उसी से श्री सत्य नारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रख उसे नगर में बेचने गया, जहां उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। उन पैसों से लकड़हारा सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर प्रसन्नता के साथ अपने घर गया। वहां उसने अपने परिवारी जनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में बैकुंठ धाम गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह सत्यवक्ता तथा अत्यंत बुद्धिमान था। राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों तथा निर्धनों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी। एक दिन राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशीला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न साधु नाम का एक वैश्य नाव से वहां आया। नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को व्रत करते देख विनय पूर्वक पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे सज्जन, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए अतुल तेज संपन्न भगवान श्री सत्यनारायण व्रत का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु नाम के उस वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, कृपा कर मुझसे इस व्रत का सारा विधि विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूंगा, मेरी भी संतान नहीं है। उसके निवेदन को सुन राजा ने श्री सत्यनारायण व्रत का सारा विधि विधान उसको बताया। राजा से व्रत का सारा विधान सुन वह वैश्य आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या लीलावती से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यनारायण व्रत को विस्तार पूर्वक बताया और उसने कहा, जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। उसकी भार्या लीलावती भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। लीलावती ने अपने पति को स्मरण कराया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। तो वो बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी कन्या कलावती के विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार के लिए नगर की ओर चला गया। इस प्रकार दिन बीतते गए। तदनंतर साधु वैश्य ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है। ऐसा विचार कर उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु वैश्य कांचन नामक नगर में गया और वहां उसने एक वणिक पुत्र को देखा। उस साधु वैश्य ने उस वणिक पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु वैश्य ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे दारू
कठिन और महान दुख प्राप्त हो यह शाप दे दिया। कुछ दिनों के पश्चात साधु वैश्य अपने जमाई को लेकर समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नामक नगर में गया, जहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख वह भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। जहां साधु वैश्य अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था, राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए और राजा से कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के रुष्ट होने से साधु वैश्य की पत्नी को भी बहुत कष्ट हुआ। उसके घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यासे पीड़ित अति दुखी मन से लीलावती अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगे। उसकी कन्या कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन होते देखा, फिर वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर अपने घर को लौट आई। उसकी माता ने कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री इतनी रात तक तू कहां रुक गई थी? कलावती ने माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन उसकी माँ लीलावती व्रत करने के लिए उद्यत हुई और प्रसन्न मन से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, हे राजन तुम प्रातः काल उन दोनों वैश्य व्यापारियों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दे जो तुमने उनसे ले लिया है, अन्यथा मैं राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इसके पश्चात प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि उन दोनों बंदी को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। राजा के सामने आते ही दोनों ने राजा को प्रणाम किया। वे दोनों राजा चंद्रकेतु के भय के कारण कुछ बोल न सके। राजा ने उन दोनों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश या महान दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनका छौर कर्म आदि कराया और नए वस्त्र अलंकार पहनाकर उनको संतुष्ट किया तथा पहले जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन करके दिया। राजा ने उनसे कहा, अब आप लोग अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके उन दोनों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य अपने जमाई के साथ नगर की ओर चल दिया। भगवान सत्यनारायण को उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी का रूप बनाकर श्री भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? तब धन के मद में चूर दोनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडी यह क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ धन लेने की इच्छा है? नाव में तो बेल व पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन दंडी वेशधारी भगवान बोले, तुम्हारा यह वचन सत्य हो। ऐसे वचन कहे वह वहां से कुछ दूर चले गए और जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी वेशधारी के जाने के कुछ समय के पश्चात
साधु वैश्य नाव को जल में उतराई हुई देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। इस स्थिति में वे ही चाहें तो कुछ कर सकते हैं। दामाद की बात सुनकर उसने दंडी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, मैंने आपसे जो असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर वह महान शोक से आकुल हो रोने लगा। तब दंडी भगवान ने कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु वैश्य बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं आपकी शरण में आया, मेरी तथा मेरे धन की रक्षा कीजिए। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान जनार्दन प्रसन्न हो गए और उसको इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वही सत्यनारायण भगवान का पूजन कर वह अपने नगर के लिए प्रस्थान कर दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तब उसने कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपने नगर में भेज दिया। दूत ने नगर में जाकर उसकी पत्नी लीलावती को उसके नगर के निकट आने का समाचार दिया। दूत से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और लीलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर वह व्रत को समाप्त करके जल्दी में प्रसाद लेना भूल गई और अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। कलावती द्वारा प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव को डूबा हुआ तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वैश्य ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। लीलावती अपनी कन्या को देखकर अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अदृश्य हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर वह कलावती को गोद में लेकर रोने लगी। यह देख साधु वैश्य अत्यंत शोक संतप्त हो गया और दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। मैं अपनी धन के सामर्थ्य के अनुसार श्री सत्य नारायण की पूजा करूंगा। और उसने बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। साधु के दीन वचन सुनकर दीनों के प्रतिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चित ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा सुनकर कलावती ने वैसे ही किया तथा वापिस आने पर पति के दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हुए इस लोक का सुख भोग कर अंत में वह स्वर्ग लोक को गया। सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों,
अब मैं एक और कथा सुनाता हूँ, उसे भी आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत ही दुख प्राप्त किया था। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से वन पशुओं को मारकर एक वटवृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा करते देखा। अहंकारवश राजा न तो पूजा स्थान में गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के पश्चात सभी ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा को दिया और उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन राजा ने वो प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र समझ गया कि यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। राजा दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके प्रसाद ग्रहण किया तो भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता है और श्री भगवान की पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है, प्राणी भयमुक्त हो जाता है, संतानहीन को संतान सुख की प्राप्ति होती है, इस लोक के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंतकाल में वैकुंठ लोक को जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा। कलयुग में तो भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली अनेक रूप धारण करके श्री भगवान भक्तों का मनोरथ सिद्ध करते हैं। हे मुनीश्वरों, अब मैं पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुनिए। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम का ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। वृद्ध लकड़हारा अगले जन्म में भिल गुहो का राजा हुआ और उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा उनका मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री भगवान की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। साधु नाम का वैश्य भगवान सत्यनारायण के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधित संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो ग्वाले थे वे सब जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाले हुए और उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णित श्री सत्यनारायण व्रत कथा पांचवा अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की।